नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं वजीराबाद पुल के अंदर, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पुल है, और हमारे साथ कुछ साथी हैं। जो कैसा लग रहा है और आप यहाँ कैसे क्यों आए हैं? जी, ऐतिहासिक चीज़ है और वर्ल्ड का ये दूसरा सिग्नेचर ब्रिज है। तो आप अपने आप ही खुद ही देखकर जा रहे हैं, परिवार को भी दिखाने आएंगे यहाँ? परिवार को भी दिखाने आएंगे। अच्छा, और आप यहाँ पर साहब कैसा लग रहा है, मतलब आपको वजीराबाद के ऊपर आपको पुल मिला हुआ है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐतिहासिक ब्रिज है जी, और मुझे ये अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है। मैं परिवार को भी रख रहा हूँ जी, समझे ना, लेकर आऊँ। सर, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी मेरे को तो। हम दिल्ली सरकार की उपलब्धि को जी देखना है। दिल्ली सरकार ने 3 साल में इस पुल को चालू किया है। आप बता रहे थे कि ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये कांग्रेस शीला दीक्षित की उपलब्धियाँ हैं। हाँ जी, ये सच है। अच्छा, और पूरा इनके रीजन में हुआ है। अच्छा, हाँ, आप बोल रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार का है। सर, दिल्ली सरकार का इसलिए कह सकते हैं हम कि जो काम पूरा करता है, काम रुक गया मान लिया जी, वो रुका पड़ा 14 साल से, इसमें काम चल रहा था, जब से पूरा क्यों नहीं हुआ जी? जब से दिल्ली सरकार बनी है इसमें बड़ी तेज़ी से काम हुआ है, और इसने सरकार ने अपने कार्यकाल में इसका उद्घाटन भी कर दिया जी। आप देख रहे हैं ट्रैफिक चल रहा है इस पर जी, 14 साल में और 3 साल में बड़ा फर्क होता है जी। 11 साल का अंतराल हो गया, 11 साल में जो काम नहीं हुआ वो 3 साल में हो गया, तो समझ लो उपलब्धि किसकी है? दिल्ली सरकार की उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतनी तेज़ी और मनीष सिसोदिया इतनी तेज़ी इस काम में दिखाई, जो आज जनता इतनी प्रफुल्लित है, इतनी खुश है इस काम से। अब आपके सामने जनता की राय भी लीजिए, आप क्या बोलेंगे आप इनके ऊपर? इन्होंने बोले केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां हैं ये। नहीं, इन्होंने तो भाई जो अभी इनके रीजन में इनका उद्घाटन हुआ, आधारशिला तो कांग्रेस का रखा हुआ है, ये सब जानते हैं जी। काम चल ही रहा था और इनके टाइम में भी जो काम इन्होंने कराया जो है वो भी सराहनीय है, इनके टाइम में हो गया। ये इनके इसके तरफ से जाता है कि इन्होंने इन काम को इस अपने रीजन में पूरा कर दिया, दिल्ली सरकार ने करवाया। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि कोई भी आती है जी, उसका काम ही है मतलब जनता सेवा करना और ये कंटिन्यू करना। कोई भी चुनी सरकार आएगी उसका जो काम जो रुका हुआ है पिछली सरकार का वो पूरा वही करेगा जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? सर, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ कि मैं वजीराबाद से एवरी डे मैं ऑफिस जाता हूँ और मुझे जाम से बड़ी दिक्कत है। बहुत अच्छा हुआ कॉन्फिडेंट के खजूरी खास और वजीराबाद के बीच जो है जाम का बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत फ़ायदा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मतलब जाम से और पॉल्यूशन से दोनों चीज़ों से राहत मिलेगी दिल्ली को? यस, दिल्ली को। यस सर, हाँ, दोनों चीज़ों से राहत मिलेगी। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लोगों का वेस्टेज हो रहा था। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब, बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली का जो इस नए साल का तोहफा मिला हमें, नए साल में दिवाली का तोहफा मिल गया आपको, नए साल का नया गिफ्ट मिल गया। आप बोल दो भाई साहब, कैसा लग रहा है? भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कहीं ना कहीं श्रेय जा रहा है आज के, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आज ये यमुना पार के लिए एक लैंडमार्क साबित होगा, सिग्नेचर ब्रिज जिसका बहुत दिन से लोगों को इंतजार था, इस इलाके के लोगों को, आज ये चालू हुआ है। लोगों को आप देख रहे हैं कितना हर्षोल्लास का माहौल है, लोग यहाँ इसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह चेहरों की खुशी बता रही है स्कूल को मिलने के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका कई सालों से इंतजार, कई सालों से इंतजार था जी। आप थे बहुत सारे साथी हमारे साथ जो देख रहे हैं, आप सबके चेहरों पे एक अलग सी खुशी आ रही है, क्योंकि यमुना पार की जनता को 15 साल से लगभग 14 से 15 साल इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद इनको ये खुशी का मौका मिला है। और ये सारी पब्लिक बोल रही है कि दिवाली और न्यू ईयर का तोहफा मिला है हम लोगों को। कैमरामैन प्रवीण के साथ सुरेंद्र सिंह।